जय हिंद। आज हम बात करेंगे रीजनिंग में, एक हमारा चैप्टर है क्लॉक मतलब घड़ी। घड़ी वाले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और आप सभी को ध्यान रखना है, जो आगामी हमारे एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी का कोई से भी एग्ज़ाम हो, और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली हैं लगभग 9,500, उसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। और आप ये दो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करके आ सकते हो अगर आपने इन्हें सही ढंग से पढ़ा होगा तो। इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे कि आगामी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से भी जो हमारा एक क्लॉक चैप्टर है इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वे बच्चे अपना दोबारा रिवीजन कर लें, और जो नए बच्चे हैं वो सभी इसे बेसिक से पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले आप सभी ने अपने घर में एक घंटे मतलब घंटे वाली घड़ी देखी होगी। तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम अगर घड़ी बनाते हैं इस तरीके से, तो आपने यहाँ पर घड़ी वाली सुई में जो घड़ी होती है इसमें तीन सुई होती हैं। आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, इस घड़ी में तीन सुई होती हैं और ये तीनों सुई बराबर नहीं होती है, बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, मतलब सबसे छोटी तीन सुई होती हैं, एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई और एक सेकंड की सुई। और इस घड़ी में 12 नंबर होते लिखो है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 यहाँ होता है तो 6 यहाँ होता है, और 9 यहाँ पर होता है तो 3 यहाँ पर होता है, और 1 यहाँ, 2, 4, 5 और 7 यहाँ, और 8 यहाँ पर, और 10 और 11। इस तरह ये एक घड़ी होती है, और ध्यान रखना ये क्लॉक वाइज घूमती है। किस तरह घूमती है? क्लॉक वाइज। और आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि इसमें तीन सुई होती हैं। अगर हम तीन सुई की बात करें, ये होती है घंटे वाली सुई, और ये होती है सेकंड वाली सुई, और आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, और इसके अलावा मिनट वाली सुई यहाँ पर भी हो सकती है। तो हम अगर बात करें कि जो सबसे बड़ी सुई होती है, आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी सुई वो सेकंड की होती है। सेकंड की सुई सबसे बड़ी सुई होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मध्य सुई होती है, मध्य या बीच की सुई, वो होती है मिनट की सुई। और हम बात करें सबसे छोटी वो होती है घंटे की सुई। आप इस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से समझ लोगे कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ हमने ये पढ़ा, और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आप तभी पढ़ना जब आप अपना एग्जाम देना जाओगे, बस यहाँ पर मन लगा के पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया कि घंटे में तीन सुई होती है, ये होती है घंटे की सुई, और ये होती है मिनट की सुई, और ये होती है सेकंड की सुई। और मैं आपको बता चुका हूँ कि घंटे की सुई अगर तीन पर होती है, मतलब तीन से आगे होगी, तो मिनट की सुई 9 पर हो सकती है, तो सेकंड की सुई 12 पर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मैंने तो ये आपको एक समझाया है बनाकर, अन्यथा आप जानते हो कि अगर मिनट की सुई 9 पर होगी तो इसका मतलब ये दर्शाती है 45 मिनट, कब? 9:45। तो घंटे की सुई कुछ आगे हो सकती है, मतलब यहाँ पर हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। अब अगर हम बात करें, मैं इनका मतलब समझा दूं आपको कि ये 1, 2, 3 इस तरीके से जो क्रम के अनुसार जो संख्या लिखी हुई है, ये 12 तक है और 12 अंक लिखे हुए होते हैं। तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि घंटे वाली सुई अगर 4 पर होती तो इसका मतलब 4 बज रहे हैं, 4:00 जितनी मिनट होती हैं आप बोलते हो। इसके बाद जो मिनट वाली सुई होती है वो 9 पर है, तो आप कहते हो कि 4:45। अगर मिनट वाली सुई 8 पर है तो ये दर्शाती 40 मिनट,
या फिर ये दोपहर भी हो सकती है मिनट वाली सुई, तो इसे हम बोलते हैं 10 मिनट। और सेकंड वाली सुई वो फिरते हैं, मतलब वो भी चक्कर लगाती है इसी के अनुसार। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा कि घंटे वाली सुई सबसे छोटी सुई होती है, और मतलब घंटे की सुई जो सबसे छोटी सुई होती है, और सबसे बड़ी सुई जो होती है वो सेकंड की मध्य मतलब बीच की सुई होती है मिनट वाली सुई। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। अब हम नेक्स्ट मतलब आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा इसमें। तो अब हमने यहाँ पर ये समझ लिया। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आगे वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, अब आपको ये भी पता होगा कि 12 से और 1 के बीच 5 मिनट का अंतर होता है, इसी प्रकार 1 और 2 के बीच 5 मिनट का अंतर होता है। आगे भी हम यही क्रिया कर सकते हैं कि 5 और 6 के बीच 5 मिनट का अंतर, 6 और 7 के बीच 5 मिनट का अंतर होता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया गया हो कि बताओ 12 घंटे में मतलब 12 घंटे में संपाती या एक दूसरे के ऊपर होती है सुई, ये 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो कितनी बार बनता है, ये आपसे पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में। मगर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हमें पूछना है मतलब हमें जो है इस पर डिस्कस करना है कि दोनों सुइयों के बीच संबंध, ठीक है साथियों। अब अगर हम बात करें दोनों सुइयों के बीच संबंध, अब अगर हम बात करें कि अगर हम ये घंटे वाली सुई है और मैंने ये तीनों सुई ये बना दी, मतलब आप ये समझ लो कि इस वक्त जो है 12 बज रहे हैं, और जब ये 12 बज रहे हैं तो आपको बताया कि तीनों सुई जो है 12 पर होंगी, मतलब 12 नंबर पर होंगी, तब 12 बजेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक घंटे के बाद सेकंड वाली सुई तो ये जो है क्लॉकवाइज घूमेगी, मगर मिनट वाली सुई जब 12 से इसी स्थान पर क्लॉकवाइज घूमकर जब एक चक्कर लगाती है, जब 12 पर आती है, तो घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। कहां पर पहुंच जाएगी? 1 पर पहुंच जाएगी, इस तरीके से। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कब ये आपस में मिलती हैं, ये संपाती होती हैं। संपाती का मतलब ही यही है कि कब आपस में मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण जो बनेगा। 0 डिग्री का कोण ध्यान रखना मिनट और घंटे वाली सुई के बीच बनता है। जितना इनके बीच फासला होता है वही इनके बीच का कोण होता है। अब अगर हम बात करें कि जिस प्रकार हमने मिनट वाली सुई घुमाई, 12 से शुरू हुई और 12 पर ही आकर ये हमने देखी, तो इसका मतलब इसने 1 घंटा यहाँ पर चली, मतलब 60 मिनट ही चली। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 पर आ जाएगी। अब आपको ये पता होगा कि 12 बजे पर तो ये संपाती हुई थी, मतलब दोनों एक साथ मिली थी, मगर ये 60 मिनट के बाद एक साथ नहीं मिलेंगी, 60 मिनट के बाद ये एक साथ नहीं मिलेंगी। अब आपको ये क्लियर पता चल गया होगा कि 60 मिनट में तो 1 घंटा कंप्लीट हो गया, तो मिनट और घंटे वाली सुई 60 मिनट में कभी एक साथ नहीं मिलेंगी, तो घंटे वाली सुई 1 पर आ गई। अब ये जब मिनट वाली सुई 12 से 1 पर आएगी तो ये 5 मिनट चलेगी, क्योंकि यहां पर जो होता है अंतर वो 5 मिनट का होता है। तो अगर हम 5 मिनट चलाते हैं 12 से 1 पर, 5 मिनट अगर चलाते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि घंटे वाली सुई 1 से आगे पहुंच जाएगी। जब 5 मिनट मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली सुई भी तो चलेगी, तो इसका मतलब 60+5 कितना हो गया? 65 मिनट। तो अगर हम फिक्स टाइम निकालते हैं कि 1 के बाद कभी आपस में मिलेंगी, तो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा क्लियर कि हाँ किस वक्त ये मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगी, सबको बता दूंगा कि 6 के बाद कब मिलती हैं, 8 के बाद कब मिलती हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये तो क्लियर है कि 65 मिनट के बाद ही आपस में मिलेंगी, मतलब संपाती होंगी या 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का कोण तब बनता है जब मिनट की और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब ये आपस में मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपकी समझ में आएगी होगा कि 60 मिनट के बाद तो ये घंटा पूरा होगा, और जब 5 मिनट और चलेगी मिनट वाली सुई, तब जाकर इनकी ये आपस में मिलती हैं, कौन, घंटे वाली और मिनट वाली सुई। अब हमें ये क्लियर पता चल गया कि 65 मिनट के बाद मिलती हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब वो 65 मिनट के बाद ही आपस में मिलती हैं और घंटा होता है 60 मिनट का, तो 5 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लग रहे हैं और नंबर कितने हैं 12, तो 12 गुणा करो 5 से करूँ, 12 की गुणा 5 से, क्यों, क्योंकि 12 घंटे होते हैं, तो 12 पंजा 60, 60 मिनट ये हो गए, तो 60 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, एक घंटा। तो एक घंटा यहाँ पर इसने मतलब 5 मिनट कर करके एक घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, कब ले लिया 12 घंटे में, क्योंकि 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रही नहीं जब आपस में मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटा हम 12 में से कम कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में ये कुल 11 बार मिलेगी, क्यों, क्योंकि 12 घंटे में से हम एक घंटा कम कर देंगे मतलब 60 मिनट, तो इसका मतलब यहाँ पर जब एक घंटा कम हो जाएगा तो ये केवल 11 बार मिलेगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आप विपरीत संपाति समकोण की स्थिति में इस सब में एक घंटा में कम मानना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में एक बार जब मिलेगी तो 11 घंटे में कितने बार मिलेगी 11 बार, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक घंटा यहाँ पर कम हो गया। अब अगर हम बात करें कि दोनों सुइयों के बीच संबंध, मतलब इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि ये तो हम पढ़ेंगे ही, अगर आपसे पूछ ले सेकंड की, सेकंड सुई की स्थिति, सेकंड सुई की स्थिति, सेकंड सुई की स्थिति, सेकंड सुई के बारे में हम याद करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकंड की सुई एक मिनट में मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। हमने यहां पर यह ज्ञात किया कि 60 सेकंड में मतलब जब सेकंड की सुई 12 पर थी और 12 से पूरा एक क्लॉक वाइज जब इन्हें चक्कर लगाया तो यहाँ इसी स्थान पर आ गई, तो इसका मतलब इसने ये पूरा एक वृत्त का चक्कर लगा लिया, तो ये 360 डिग्री घूम गई, वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री व्यक्ति घूमता है, तो यहाँ पर इसने 60 सेकंड में 360 डिग्री चली, जो सेकंड वाली सुई थी जब ये 60 सेकंड चलेगी तो इसका मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी। तो अब यहाँ पर एक सेकंड में 6 डिग्री, 60 से डिवाइड करेंगे 360 को, 6 बार जाएगा 6 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया 5 सेकंड में तो आप बता दोगे 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री, इसका मतलब 5 सेकंड में 30 डिग्री का अंतर होगा। अगर आपसे 10 का पूछेगा 10 से गुणा कर देंगे 60 डिग्री बन जाएगा। इसी प्रकार आपसे कुछ ही पूछ लेगा। तो ये थी सेकंड सुई की स्थिति, यह आपकी समझ में आ गया होगा कि हाँ 60 सेकंड में 360 और 1 सेकंड में 6 डिग्री और 5 सेकंड में 30 डिग्री। देखो ये पहली क्लास है, ये मैं आपको बहुत स्लो तरीके से करा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ। अगर मैं इसमें कुछ स्पीड बना दूँ तो कुछ जो नए बच्चे हैं वो सोचेंगे बहुत स्पीड से पढ़ा दिया, तो कुछ कोई समझ में नहीं आ सकता, तो जो पुराने बच्चे हैं वो भी बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें, अब हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की स्थिति, जो मिनट 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 सुई की जो स्थिति होगी वो हम यहां पर ज्ञात करेंगे। अब आपको बताया कि अब मिनट की सुई पूरे 60 मिनट जब घूमती है तो ये भी 360 चक्कर 360 डिग्री घूमती है, 60 मिनट में 360 डिग्री, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक घंटे में 360 डिग्री ये घूमी। आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई पूरा ये चक्कर लगाएगी तो ये 60 मिनट घूम जाएगी, इसका मतलब घंटे वाली सुई अगर एक पर है तो दो पर आ जाएगी, और दो पर है तो तीन पर आ जाएगी, वो एक घंटा आगे चली जाएगी। अब अगर हम बात करें कि ये भी एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, मतलब अगर ये एक मिनट आगे की ओर चलेगी तो ये 6 मिनट चलेगी, और इसी प्रकार 5 मिनट का जो अंतर होगा इसमें, या 5 मिनट जो चलती है ये 30 डिग्री, 5 की गुणा 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब आपको एक क्लियर पता चल गया होगा कि अगर मिनट वाली सुई एक पर है
और फिर वो आगे चलती है और आगे चलने के बाद दो पर आ जाती है, तो इसका मतलब वो 30 डिग्री यहाँ पर चली। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इसके बीच का अंतर कितना होता है, 5 मिनट का। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ भी 30 डिग्री का। तो अब आप जानते हो कि जब इन एक और दो के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप जानते हो कि नंबर कितने होते हैं टोटल, 12। 12 की जब हम 30 से गुणा करेंगे तो 12 + 36, तो इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हाँ, 2 और 3 के बीच 30 डिग्री का, इसी प्रकार 7 और 8 के बीच 30 डिग्री का, 10 और 12 के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। अब हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की। तो ध्यान रखना, घंटे वाली सुई का रूल्स अलग है। घंटे वाली सुई की स्थिति, तो अब हम यहां पर घंटे वाली सुई की स्थिति अगर यहां पर ज्ञात करते हैं, तो आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो तीनों सुइयों में सबसे छोटी सुई होती है। तो आपको पता है कि ये घंटे वाली सुई जब 12 घंटे घूमती है, अगर ये घंटे वाली सुई 12 पर है और पूरा एक चक्कर लगाती है फिर दोबारा 12 पर आ जाती है, तो इसका मतलब 12 घंटे घूमी, तो इसने कितना कोण बनाया, 12 घंटे में 360 डिग्री। ये भी 360 डिग्री घूमी, तो इसका मतलब एक घंटे में 12 + 36 डिग्री कोण बनाए, मतलब 12 + 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और बात ऐसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर घंटे वाली सुई 2 पर है और ये 1 घंटा चलेगी तो 3 पर आएगी, और 3 पर अगर है तो फिर 1 घंटा चलेगी 4 पर आ जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर इसने 30 डिग्री कोण बना लिया 1 घंटे में। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1 घंटे को हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, तो 60 मिनट में कितना बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब आपको बताया कि 60 अगर हम इसके बटे में ले जाएं तो यहां क्या हो जाएगा, 1 मिनट 1/2 कर लेंगे, 30 से 60 को जब हम भाग करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में, घंटे वाली सुई देखो ध्यान से, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण। और 12 घंटे में 360 डिग्री का, 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बना। इस प्रकार मैंने पीछे मिनट सुई की स्थिति बताई थी कि ये तो 60 मिनट में 360 डिग्री चली, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, और 5 मिनट में 30 डिग्री। तो ये था मिनट वाली स्थिति का। अब हम बात करें, अब आपसे पूछेगा कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 सेकंड में, आपसे यहाँ पर कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में, अरे सॉरी 60 सेकंड में। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60, तो 60 सेकंड में भी 6 डिग्री का कोण ही बनेगा, 1 मिनट में भी 6 डिग्री का कोण, 60 सेकंड में भी 6 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब हम आगे चलते हैं, इसे नोट करते रहना और अपनी एक बेहतरीन सी एक अपनी कापी बनाना और उसमें जो है ये नोट करते रहना। अब आप देखो दोनों सुइयों के बीच का संबंध, मतलब हम बात करें कि जैसे संपाती जो होती हैं, संपाती मतलब यहाँ पर जब एक साथ मिलती है, एक साथ घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री का कोण क्या होगा, मतलब 0 डिग्री की कोण की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी बार मिलेंगी, 12 हावर्स में अगर हम बात करें तो 12 हावर्स में 11 बार, मैंने आपको शुरू की लाइन पढ़ाई आपको, 12 हावर्स में कितने बार, 11 बार। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा कोण, क्या ले लेंगे, कोण ले लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक हम एक टेबल बना लेंगे। तो जब ये संपाती होती हैं, ध्यान रखना संपाती मतलब संपाती या एक साथ जब होंगी और जब बनेगा 0 डिग्री का कोण, मतलब एक साथ संपाती होंगी 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो उस दोनों सुइयों के बीच संपाती कितनी बार, 12 घंटे में कितनी, 11 बार, और 24 हावर्स में कितना, 22 बार।
मतलब 12 हावर्स में 11 बार, 24 हावर्स में 22 बार मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें जैसे विपरीत, तो यहाँ पर आपको कह देगा विपरीत, तो अगर आपसे कह देगा विपरीत, तो इसका मतलब विपरीत का मतलब क्या होता है कोण में, 180 डिग्री होता है कोण में, तो ये भी 11 बार, क्योंकि एक घंटा कम हो गया ना, 5-5 मिनट करके मैंने आपको पहले बता दिया है, और 24 घंटे में 22 बार। अब हम बात करते हैं समकोण की स्थिति। विपरीत का मतलब यह है कि अगर देखो ध्यान से, अगर यहां पर मिनट वाली सॉरी घंटे वाली सुई अगर यहां पर है 6 से आगे, तो मिनट वाली सुई यहां होगी, कहां होगी, 1 के लगभग 1 के करीब होगी, तो ये होता विपरीत, और तब बनता है 180 डिग्री का कोण आमने सामने का, क्योंकि आपको पता है कि पूरा जो ये हमारी पूरी घड़ी है इसमें 360 डिग्री का कोण होता है, और जब बीचों बीच एक रेखा खींच जाती तो वे कोण करेंगी मिनट और घंटे की सुई, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप बताओ समकोण की स्थिति मतलब कैसी होती है, 90 डिग्री की होती है, आपने पढ़ा भी होगा मैथ में। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ध्यान रखना समकोण की स्थिति में हमारी घड़ी में 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, क्या बार बनता है, 2 बार। अब आप देखो ध्यान से, सपोज करो 3 बज रहे हैं, पूरे कितने बज रहे हैं 3। अब अगर हम बात करें, अगर आपकी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो आपको पता है कि 3 पर तो होगी घंटे वाली सुई, सेकंड और मिनट वाली सुई होगी 12 पर, तो अब देखो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री है, तो जोड़ेंगे कितने हो गए 90 डिग्री। तो एक स्थिति हो गई कि 90 डिग्री जो है एक बार यहाँ पर बन गया जब पूरे 3 बज रहे हैं। अब आगे देखते हैं, अब आप एक बार बताओ, जब ये घूमती हुई आएगी इस तरीके से 3 से आगे आएगी, तो 3 से आगे ये आपस में मिलेगी, मतलब संपाती होगी, फिर आगे चल के 30 डिग्री है, कितना हो गया 60, और आपको पता है कि 7 बजे से पहले ही, क्योंकि कुछ डिग्री कोण इसका रह जाएगा, और अगर हम 7 बजे के बाद इसे मिलाते हैं, फिर 7 बजे के बाद अगर समकोण अगर हम बनाते हैं, तो आपको पता है कि 90 से ऊपर बन जाएगा, मतलब कहने का है कि 7 बजे से पहले एक बार 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, और एक बनेगा एक सुई से पहले ही। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो बनेगा संपाति के बाद, और एक बनता है संपाति से पहले बन जाता है, ये स्थिति है इसकी। तो यहां पर हमने देखा कि समकोण मतलब 90 डिग्री में 22 बार बनता है, मतलब जब 2 बार बन गया 1 घंटे में, तो 11 घंटे में कितना हो गया 22 बार, और 24 घंटे में कितना हो गया 44 बार। अब हम बात करें संपाति की, सॉरी सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में 2 स्थिति मानी जाती है, जो हमारा एक कैलेंडर वाला चैप्टर है, सीधी रेखा में 2 स्थिति मानी जाती है, एक तो जब 0 डिग्री कोण बनेगा, मतलब संपाती होंगी, एक साथ होंगी, एक स्थिति वो मानी जाती है सीधी रेखा में, और एक होता है विपरीत वाली, मतलब जब अगर ये होगी आमने सामने की विपरीत, और एक होती जब दोनों आपस में मिल जाती हैं, एक साथ होती हैं, दो मानी जाती है सीधी रेखा में, ये किलोक में कहा गया है। अब अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति आप जानते हो 0 डिग्री की भी होती है और 180 की भी होती है, तो आपको मैंने बताया है 11 बार ये और 11 बार ये, तो इसका मतलब 11 घंटे में कितना हो गया 22 बार और 44 बार ये हो जाएगा। आपकी ये समझ में आ गया होगा, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपकी ये समझ में अगर आ गया हो, तो मैं आगे का टॉपिक यहां पर कराऊंगा, और ध्यान रखना इसे आप नोट करते हुए चलना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नोट करते हो चलना, बहुत बेहतरीन तरीके से किलोक समझ में आ जाएगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, और आप एग्जाम देने से पहले सिर्फ एक बार पढ़ कर जाना, और फिर आके देखना अपने आप को कि हाँ ये महसूस करना कि मैं कितना करके आया हूँ। अब हम बात करते हैं कोण निकालने की, जो कोण जो निकालते हैं कि कोण कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कि कोण किस तरीके से निकालने। देखो कोण निकालने के लिए आपको सिर्फ पूरे किलोक में एक ही ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, एक ही ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी ट्रिक आप कोई से लगाओगे, किसी भी बुक में कोई सी भी ट्रिक है आप तो किसी ट्रिक को छूना मत,
बस जो मैं आपको लिखवा दूंगा इस ट्रिक को नोट कर लेना और फिर आप किसी बुक में ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो, कोण निकाल सकते हो, उल्टा हो सीधा हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, ये ट्रिक सब में काम करेगी। सब ट्रिक को भूल जाओगे, इस ट्रिक को याद करोगे, यहाँ कौन सी ट्रिक बताई गई थी विनय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखो ध्यान से, हमें ट्रिक क्या है, कोण है भाई, ये लिख लोगे कोण, जितना भी कोण होगा दोनों सुइयों के बीच, तो कोण बराबर और ये होता है 30 डिग्री। क्या होता है 30 डिग्री गुणा एच, एच दर्शाता है घंटे को, जो शुरू का घंटा होगा, ठीक है, और ये होता है अंतर का चिन्ह, मैं यहां लिख रहा हूं अंतर का चिन्ह, अंतर का, और ये होता है 11 m/2। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी ट्रिक से मैं आपको पूरे किलो के जितने भी कोण निकलेंगे, जितना भी समय निकलेगा, इसी ट्रिक पर कराएंगे। इस ट्रिक के बाद आपको कोई ट्रिक छूने की जरूरत नहीं है, इसी ट्रिक से आप सभी आंसर निकाल सकते हो। और ध्यान रखना, अंतर कहता है कि भाई अंतर में ये ध्यान रखना कि ये अगर बड़ा है तो ये घटाना पड़ेगा, अंतर का मतलब ये होता है, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा रहे हैं, अगर ये बड़ा होता तो इसमें ये घटा रहते हैं, मतलब दोनों में से कोई से भी घटाएंगे तब जो बड़ा होगा, ये अंतर कहता है। तो यहाँ पर अब मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा ध्यान समझो, कि आपसे पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में कि 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच, मतलब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। अब आप देखो ध्यान से, ये जो है 2, ये तो होगा हमारा h का मान, क्या होगा h का मान, और 10 मिनट जो है ये हो जाएगा हमारा m का मान। तो रूल्स हमारा ये है, आप बताओ कोण तो हम ये लिख लोगे इस तरीके से, आप कोण बराबर 30 × 2, अंतर का चिन्ह लगा दो आप, 11 × 10/2, इसे 5 से डिवाइड करेंगे और ये कितना हो गया हमारे पास 60, और ये अंतर का चिन्ह लगा दो, ये अंतर अब खाली माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि ये बड़ी हमें दिख रही है, ये हो गया 55 × 5 का अंतर होगा, मतलब 5 डिग्री बनेगा दोनों सुइयों के बीच, कब, 2:10 पर। अब मैं आपको बता दूं, घड़ी ये होती है, तो आपको बताया कि अगर ये घंटे की सुई है तो 2:10 पर, तो आपको बताया जब मिनट की सुई 2 पर आई घूमकर, तो घंटे वाली कुछ आगे पहुंच जाएगी क्या, थोड़ी पहुंचे, पहुंचेगी जरूर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ी सी भी अगर पहुंचेगी तो उस वक्त भी कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, 5 डिग्री का, और आप जानते हो 2 और 3 के बीच 30 डिग्री का कोण होता है, तो इसका मतलब 5 डिग्री अगर हम निकाल देंगे तो 25 डिग्री भी एक्स्ट्रा बचेगा आगे, हैं 2 से और 3 के बीच में 25 डिग्री भी और बचेगा, तो इसका मतलब 5 डिग्री के बीच का यहाँ पर फांस लाइन दोनों सुइयों के बीच। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कोण निकालते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगा, मुझे उम्मीद होगी। और देखो ध्यान से, जैसे 7:00 यहाँ पर हम 30 मिनट करते हैं कि 7:30 के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब देखो h का मान कितना मान लोगे आप 7, और m का मान कितना मान लोगे आप 30। रूल्स क्या कहता है, कोण बराबर 30 × 7, अंतर 11/2 × 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, और ये कितना हो गया 210, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 165। अगर हम 210 में से 165 अगर निकालते हैं तो ये बचा 5, और यहाँ 0, 10, 10 में 6 गए 4, तो इसका मतलब हमारे पास ये 45 डिग्री का कोण आ रहा है। कितना आ रहा है, 45 डिग्री का कोण बनेगा, कब बनेगा, 7:30 पर। अगर हम यहाँ पर 7:30 दिखाएं तो आप जानते हो कि ए यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको पता है कि 45 डिग्री का कोण आया है। तो आप मुझे एक बार बताओ, जब 7:30 तो मिनट वाली सुई तो 6 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो 8 और 7 के बीचों बीच हुई, क्योंकि 30 मिनट यहाँ पर उसने पूरे कर लिए हैं, तो 30 मिनट ये, सॉरी 30 डिग्री ये और 15 डिग्री ये आधा कर देंगे इसका, तो 45 डिग्री हो रहा नहीं वैसे सीधे सीधे हिसाब में। तो आप मुझे एक बार बताओ ये कितना आएगा, 30 और 15, 45 डिग्री का अंतर आएगा। अब हम इसमें से एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर इसमें दूसरी टाइप के क्वेश्चन करेंगे।
देखो ध्यान से, जैसे अब आपके एग्जाम में आ जाएगा कि 1 बजकर 20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो H का मान 1 और M का मान है 20, तो आप बताओ कोण बराबर 30 गुणा 1 अंतर 11/2 × 20 ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया, अब आप देखो ये 30 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 110, तो ये बड़ा नहीं, अब ये पहले रख के ये घटा देंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या हो रही है, 110 माइनस का 30 अब बराबर कितना बचा 80 डिग्री का कोण बनेगा, कब बनेगा 1 बजकर 20 मिनट पर, 1 बजकर 20 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 80 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका हमने बड़ी संख्या एक घटाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की ये समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे, देखो मैं और बता दूं आप करके, जैसे 4 बजकर 40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो कोण एच का मान 4 × 30 अंतर का चिन्ह 11/2 40 तो डिवाइड करेंगे 20, ये कितना हो गया 3 × 12 और ये कितना हो गया 11 × 22 220 डिग्री, और आपको पता है कि ये बड़ा है तो इसका मतलब 220 में से 120 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री का कोण आएगा, कब आएगा जब 4 बजकर 40 मिनट होंगे, 4 बजकर जब 40 मिनट होंगे तो इनके बीच में 100 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेना ये कोण वाले। अब हम ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे जो कोण दे देगा और आपको टाइम पूछेगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जय हिंद।